जसी हो खेतखोन करेकु सटरना आर सरकार हो हुडू हटाओल गया सपड़ाओना और तीन खोन सरकार हुडू दा आर नोआ हुडू रिया दर तहैना मी कुंटल रिया 2050 2050 चलावन बछरो तहैकना आर नीय बछरो रामेश्वर जी 2050 की जो रेट है ये पिछले तीन साल से देखी जा रही है थोड़ा बढ़ना चाहिए आपको लगता है नहीं देखिए अभी हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि हम बढ़ा कर दे सकें अपना वित्तीय स्थिति देखना है और जगह खर्च करना है हम लोग किसान पर ही खर्च नहीं करना है मजदूर पर खर्च करना है मजदूर पर मनरेगा है मजदूर शहरी सर... क्षेत्र में मनरेगा नहीं है उसको भी देना है काम देना है हमको मनरेगा को बहुत कम देती है भारत सरकार एक सौ बानवे रुपये देती है हम वहाँ पैसा दे रहे हैं पच्चीस रुपये बढ़ा दिए हैं मजदूरी मनरेगा में अपना पैसा राज का पैसा जा रहा है और शहरी क्षेत्र में हम अलग से मुख्यमंत्री के नाम से अलग से रोज़गार सृजन कर रहे हैं उनके यहाँ के शहरी लोगों के गरीबों को हम फायदा पहुँचा रहे हैं तो हमें जगह जगह अलग अलग ढंग से खर्च करना पड़ रहा है तो एक वर्ग पर हम अभी उतना बाज़ार में बेचते हैं कितना बेचते हैं दस रुपये बारह रुपये में हम तो उसे दोगुना दे रहे हैं दोगुना दे रहे हैं तो कम नहीं है ही किसान के तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठ रही ये भाजपा जो है राजनीति करने के लिए इस तरह का अब दिग्भ्रमित करने के लिए किसानों किस के इस तरह की आवाज़ उठाते हैं किसानों को तो तरफ से नहीं है किसान खुश है कि हम तो बारह रुपये बेचते हैं आप तो आठ सौ ज़्यादा दे रहे हैं हमको बहुत खुश हैं हम हम किसानों से बात करते हैं चलिए मान लेते हैं ये अच्छी रेट है और अच्छी दर पर सरकार ख़रीद रही है लेकिन मुश्किल तब आती है कि या तो वो टेक्निकली ख़ुद को वहाँ रजिस्टर्ड नहीं करा पाते और या रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो धान वहाँ तक पहुँचाने में कई बार दो तीन दफ़े उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर इसके बाद पैसे लेने उनके खाते में आने में काफ़ी देर हो जाती है शायद पुराने कुछ बकाए भी हैं नहीं ऐसा है कि आपको बता दें कमी है नहीं है सो बात नहीं है पिछली सरकार में बड़ी कमी थी अध्ययन करके उन कमियों को हम दूर कर रहे हैं जैसे था उनका क्या कि जिस समय धान लेते थे एक पैसे नहीं देते थे सात महीना आठ महीना के बाद पैसा मिलता था तो किसान रोते थे कि हमको पूंजी चली गई हम रबी कैसे करेंगे रबी के समय में किसान हमसे बात करते हैं बोलते हैं कि पिछले बार बात की हमसे बोले कि बहुत तो अच्छा काम किए हैं कैसे पचास परसेंट दे दीजिए आप तो रबी के लिए मेरा पूंजी हो गया रबी का के लिए हमको पूंजी मिल गई हमको दिक्कत नहीं है बाकी आप दो चार महीना पाँच महीना में दे दीजिएगा तो सरप्रश रहेगा हमारा वो हमारी बचत हो जाएगी पूंजी के लिए इतना हो गया तो हम जैसे जैसे हमको आ रहा है त्रुटि नजर आ रही है हम दूर करते जा रहे हैं इस बार समय पर पैसा मिल जाएगा समय पर तीन महीने का अंदर चूंकि हम पैसे के व्यवस्था पहले कर लिए हम धान खाली खरीदने नहीं हैं हम पैसे का व्यवस्था कर दिए हम पैसे की व्यवस्था अपना बैंक से कर्ज ले अपना अपना पैसा है रिवॉल्विंग फंड सरकार का पैसा है और इसके बाद हम आ, ले लिए कर्ज़ लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ऑफ बड़ौदा से ले लिए पंद्रह सौ बाईस सौ करोड़ हमारे पास पैसे हमको दिक्कत नहीं है अब धान प्राप्ति हो गई हम पैसा देना शुरू करेंगे कल से परसों से शुरू कर देंगे उसको अभी तक तो खरीद चल रही है समझिए कि पंद्रह दिन के बाद से हम लोग शुरू कर देंगे जो अभी ख़रीद रहे हैं उसको पैसा देना था समय पर मिलेगा तीन महीने के अंदर मिल जाएगा इनको बहुत बहुत, बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया तब तो किसान को को चसी स्वस्थ तहन पे और सरकार ठेगी आपे आर हूँ पे जेमन बीस पैसा पे नाम तीन भीतरी थे सरकार आपे पैसा इवा आश्वासन वित्त मंत्री रामेश्वर रावामा और खाद आपूर्ति मंत्री करमरा संजय सिंह संगे सुरेंद्र सरें ट्राइब टीवी रांची को